बेगूसराय से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर जहां खुशी जाहिर की, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। गिरिराज ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पंडितों को जनता की नब्ज को समझना होगा, लेकिन विपक्ष गणितज्ञ की तरह सीट ही जोड़ती रहती है। ये मोदी की सुनामी है। एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा है कि अब विपक्षी पार्टियां ईवीएम को गाली देंगे और उसके बाद अब वो वोटर को गाली देंगे। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि जनता के नब्ज को पकड़नी चाहिए। ये एक गणितज्ञ की तरह है, ये लोग जोड़ते रहते हैं, दो गुना दो इस ढंग से जोड़ते हैं वो इलेक्शन में वोट में, वोटर के पास वोट होता है। गरीब जो हम लोग कहते थे कि इनर करेंट और सुनामी है, ये समझ में अपोजिशन को नहीं आया और जिसके कारण उसको ये सारी चीज़ें लगता है। अब तो देखिएगा, आज से शुरू हो जाएगा ईवीएम को गाली देना, और कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिन में ईवीएम को गाली देते देते फ्रस्ट्रेशन में वोटर को भी गाली न दे। इसके बाद गिरिराज सिंह ने चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी पर भी तंज कसा। उन्होंने चंद्रबाबू पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक देहाती कहावत है कि बबुआ का पता नहीं, झुनझुन्ना लेकर नेता खोज रहे हैं। वहीं गिरिराज ने ममता को लेकर कहा कि वो पॉलिटिकल आईसीयू में चली गई हैं। गिरिराज ने ममता की तुलना तानाशाह किम जोंग से भी कर डाली। जहां तक चंद्रबाबू नायडू, हमारे गांव की कहावत है कि बबुआ का पता नहीं या झुनझुन्ना लेकर के खोज रहे हैं नेता को। नेता तो आज तक एक दूसरे को माने नहीं, मोदी के भय से एक दूसरे के प्लेटफार्म पर जरूर गए, क्योंकि मोदी ही था, मोदी पक्ष भी था, मोदी विपक्ष भी था। अब मैं चंद्रबाबू नायडू से आग्रह करूँगा कि वो खुद ममता बनर्जी को लेकर के पॉलिटिकल आईसीयू में चले जाएं 23 तारीख तक के। अब पॉलिटिकल आईसीयू से ममता जी को निकालें और निकालने के बाद राजनीतिक मोक्ष के लिए वो एनडीए बीजेपी से ये सीखें कि लोकतंत्र का सम्मान कैसे किया जाता है, ये सीखें, क्योंकि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता इमरजेंसी को नहीं बर्दाश्त किया। इसलिए ममता बनर्जी के इस तानाशाही रवैये, किंग जोंग की रवैये को नहीं बर्दाश्त करेगी। आईसीयू से निकले, प्रायश्चित करें, तभी उनका कल्याण है, नहीं तो 2021 में उनकी गद्दी जानी तय। फिलहाल एग्जिट पोल पर बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है, लेकिन असली नतीजे तो 23 तारीख को ही आएंगे। तब तक आप भी खबरों से दो चार होते रहिए और इंतजार 23 मई का करते रहिए। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।